गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं नूसा पेनिदा। बस अभी 5 AM इन द मॉर्निंग है गाइज एंड वी आर रेडी बिकॉज ड्राइवर आने वाला पिकअप करने। और यहाँ पे सुबह ही जाना पड़ता है क्योंकि स्पीड बोट होती हैं जो आइलैंड पे लेके जाती हैं। स्पीड बोट का टाइम होता है वो 7, 6, 7, 8 है। बाकी वहाँ जाके प्रॉपरली बताएंगे क्योंकि हमें भी जैसे पता था हम आपको बता रहे हैं, वैसे वहाँ जाके हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं क्या। सो गाइस मिलते हैं आपको फिर हम डॉक पे। और हमने यहाँ पे खुद नहीं बुक कराया, मतलब खुद नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक दिन का टूर पैकेज लिया है तो वो हमें चार जगह लेके जाएगा गाइस, वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी जगह। चार बीचेस प्लस लंच प्लस प्राइवेट ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप है और वहाँ पे स्पीड बोट की टिकट है सो दैट हमको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ओके गाइस मिलते हैं, मेरे को ठंड बहुत लग रही है गाइस, एसी चल रहा है, सुबह सुबह भी बंद करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपको वहाँ पे, बाय। गाइस अब हम पहुँच गए हैं पोर्ट पे। बोट पे नहीं पहुँचे अभी, पोर्ट पे। पोर्ट तो मैं अभी तो पोर्ट ही कह रहा हूँ। सो गाइस ये हमारा टूर गाइड है। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस ये टिकट स्कैन करेंगे वो वहाँ पे और उसके बाद फिर आपको ऊपर से जाना है बोट पे। वहाँ दोबारा देखो चेकिंग हो रही है। सो गाइस ये तो हम आ चुके हैं बोट पे, देखते हैं कौन सी बोट पे जाएंगे। हाँ बारिश भी हो ही रही है गाइस आज, देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाना पड़ेगा गाइस पीछे, वो लेके जाएगी स्पीड बोट हमें। तो गाइस पहुँच गए हम नूसा पेनिदा स्पीड बोट से। गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, पानी भी बहुत साफ है। तो गाइस यहाँ पे बंदर और कुत्ते की लड़ाई हो चुकी है, आपस में फुल चढ़ रही है। हाँ भाई बंदर बुला ले तू भी अपने, आ जाओ भी आ जाओ, मिंटू टिंकू सारे आ जाओ, लड़ेंगे यहीं पे। सो गाइस हम यहाँ आ चुके थे जो मेन व्यू है, बात इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग भी चाहिए और ये है इसका मेन जो व्यू है। और नीचे लोग भी हैं, वहाँ तो भी निकली है, ये लोग हैं नीचे। काफी क्राउड है गाइस यहाँ पे लोगों का। गाइस आगे थे यहाँ पे और देख लो फोटो शूट चल रहा है बढ़िया, यहाँ पे लोगों का फुल भीड़ है गाइस, फुल भीड़, बहुत बिजी है। आगे गाइस कह रहे हम भी फोटो खिंचाएंगे, क्या बजा तू भी फोटो भाई, ये कह रहा मैं वीडियो बनवाऊंगा, ये वाला कह रहा है चिंपुस। सो गाइस यहाँ आके तो ऐसे फील आ रही है जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हो, बट अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं ब्रोकन बीच, देख सकते गाइस। और गाइस इनका थोड़ा फिगर वहाँ बिगड़ गया है, चल रहे हैं भाई। गाइस एक वीडियो आएगी उसके अंदर ब्रोकन रोड की, वो भी देखना, ऑटोमेटिकली डांस होता है उसमें। हाँ आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप वहाँ ब्रोकन बीच आ रहे हो, सांस चढ़ गए अब फुल ताज लेटा का आ रहा है भाई। सो गाइस इस टाइम हम ब्रोकन ब्रिज जा रहे थे और साथ में ये ब्रोकन रोड भी थी, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम आप फुल डांस करेंगे जब आप ब्रोकन ब्रिज जाएंगे, ऐसे आपकी कार फुल डांस करेगी। देखो गाइस अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, आपने आप अपने आप डांस करोगे, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हर जगह मसाज हो जाएगी गाइस आपकी। ब्रोकन ब्रिज तो है ही है, ब्रोकन रोड भी है, बहुत अच्छी गाइस,
इंडिया वाली याद आ जाती है, पूरी इंडिया के गांव वाली गाइस। ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं। दिस इज द ब्रोकन ब्रिज। मुझे लगता है नीचे कोई जा नहीं सकता वहां पे। व्यू देखो गाइस, व्यू चेक करो आप। गाइस सच अ ब्यूटीफुल व्यू, पीपल आर रिलैक्सिंग हियर। Yeah. Together with the name Villa Bow, and then the angel, ladies. Yeah. So guys, this is the Angel Beach which we are going now. So guys, this is the Angel Villa Bow. इस पानी का लेवल एकदम देखिए कितना कम हो जाएगा, और फिर एकदम देखना कितना ज़्यादा होगा। तो गाइस जो आप देखते हो ना, ये रील्स बनती है, ये इनकी वजह से बनती है, टूर गाइड्स की वजह से ये बनाते हैं, ये सारे फोटो खींचते। देखो ये होते गाइस, इनको हमको क्रेडिट देना चाहिए, यही सारी वीडियोस बनाते हैं एंगल से। ये देखो हमारा टूर गाइड गाइस, ही इज आवर टूर गाइड, सो हेल्पफुल गाइस। गाइज अब हम ट्राई कर रहे थे इनका ट्रेडिशनल फूड। मैंने मंगाया है लम्पन अयाम, एंड भारती ने मंगाया है मी गोरिंग नूडल्स, फ्राइड नूडल्स। सो गाइज इसके अंदर क्या होता है, राइस होते हैं और इनकी एक संभल होती है चिली सॉस विद द फ्राइड चिकन, देख सकते हो, और सैलड होता है, और भारती में खाली नूडल्स नूडल्स वैसे एग के साथ होती है, लेकिन हमने यही मंगवाई है नूडल्स विद वेजिटेबल्स। अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है, ट्राई कर सकते हो आप। आप इंडोनेशिया में मी गोरिंग, नासी गोरिंग और ये लम्पन अयाम ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे क्रिस्टल बीच पर रिलैक्स कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। और भारती देखो सोई पड़ी है, जब देखो हमारी और फीलिंग भारती यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए बढ़िया, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं गाइस। मैंने इसलिए स्विमिंग नहीं करी क्योंकि गाइस जो ये दमक वाला पानी होता है ना गाइस, सारा फेस और
सारी बॉडी ख़राब कर देता है। हमने जब वाटर एक्टिविटीज़ करी थी ना तो उससे बहुत ज़्यादा बॉडी ख़राब हो गई थी। तो गाइस मुझे तो मन नहीं करता इतना करने का, तो मैं तो यहीं पर आराम से अपना चेयर ले रखे गाइस। या आप रेंट पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको पड़ेगी 100,000 फॉर 2 चेयर्स। आप ले सकते हैं, रिलैक्स करो गाइस, अपना बियर मंगाओ, नारियल पानी जो आपको अच्छा लगता है वो मंगाओ, चिल करो गाइस, काफ़ी रिलैक्सिंग है गाइस। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, नूसा पेंदा में क्रिस्टल बीच पे बढ़िया है, मज़ा आ रहा है गाइस। क्रिस्टल बीच है और इसलिए बोलते हैं इसको क्रिस्टल बीच, क्योंकि जो यहाँ की सैंड है वो ग्रे कलर की है और उस पर चमकती है वो सैंड, इसलिए इसको क्रिस्टल बीच बोलते हैं। गाइस भारती को मैंने ऐसे अपना टूर गाइड रखा हुआ है, बताती रहती है ये वो है ये वो है, ये रात को बैठ के गूगल पे सर्च करती है सारा भाई कल कहाँ जाना है, फिर ये अपना मेरे को सारा दिन समझाती रहती है। जो मेरा मन करता है वो मैं सुन लेता हूँ, वरना मैं अपना आराम से वरना बैठ के आँखें बंद करके सो जाता हूँ। रिलैक्स करो गाइस, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, रिलैक्स करो, बढ़िया फुल मज़े हैं गाइस। मज़े आ रहे हैं लोगों को देख देख के, ये तो फुल मजे लेते हैं। सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं स्पीड बोट में। जो गाइस आप ये सामने देख रहे हैं स्पीड बोट होती हैं, ऐसे डॉक पे लगी होती हैं। तो ये हमारी टिकट है, ये हमारी टिकट है, हमें इस टिकट को लेके वापस जाना है। हम जाएंगे अब दोबारा नूसा दुआ। अब देखो बोट बहुत तेज चल रही है, कोई भी नहीं है आसपास, फुल बीच समुंदर में। देखो गाइस अब हम पोर्ट पहुंच चुके हैं वापस, नूसा पेंडा से नूसा दुआ आ गए वापस। काफी अच्छा था गाइस, मजा आया। कैसा लगा भारती आके? अब बारिश हो रही है गाइस, मज़ा आया, फुल मज़ा आया। सो गाइस अभी बस मैं होटल पहुंचा था और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस आज का व्लॉग इतना ही गाइस, थक गए अब। अभी बस मैं वीडियो बैठ के एडिट करूँगा और फिर अपलोड करता हूँ, फिर आप देख लेना कि आज हमने क्या क्या किया। और गाइस फिर हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड गाइस लाइक ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है गाइस उसको मत दबाना भूलना। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।